कहने को तो आम आदमी के लिए दवाइयाँ फ्री हैं, बट वो दवाइयाँ उसमें से आप बोल लो कि 80% दवाइयाँ तो अस्पताल में मिलती ही नहीं है। मेडिकल लाइन में ऐसा है कि गरीब आदमी जो है प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते हैं, जिससे फ्री होगा तो हर आदमी का इलाज भी अच्छा होगा। देखो जी, पहले तो सबसे पहली बात मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, ठीक है। बाकी जहाँ तक मेरे को लगता है, पहले जो है सरकार में माया जाल में फंसाती है, जाल होता है इनका, उसमें फंसाती है हम लोगों को, जितनी भी जनता है यहाँ पे। और जैसे कि अभी काफ़ी प्रॉमिसेस किए गए हैं, चुनावी दौर है, बट आम आदमी पार्टी का आप कह सकते हो कि एक तरह से प्रूवन है कि वो ये चीज़ों को लागू भी करते हैं। आप चले जाओ, ये नेरचौक में मेडिकल हॉस्पिटल है या जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्या वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, फ्री मिल रही है? मैं अभी कुछ दिन पहले ही गया था, मेरा एक्सरे सब चीज़ हर अभी फ्री हो रहा है। और जैसे कि हमारी जो प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट चली हुई है, तो हम उसके हाल मतलब पिछले 5 साल में देख सकते हैं, मतलब स्कूल्स में मतलब टीचर्स नहीं है, और हमारे तो फिर भी मतलब जो हम जैसे मंडी में लोकल हैं और मतलब आसपास में फिर भी अच्छे हाल हैं, लेकिन जो जैसे अपर हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे जो कंप्यूटर्स मतलब स्कूल के लैब्स में कंप्यूटर्स नहीं है, बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, तो मतलब शिक्षा के बहुत ही बुरे हाल हैं वैसे। कि अभी करंटली हम स्वास्थ्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे अस्पताल हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हम कह सकते यहाँ पे, क्योंकि अभी आप सरकारी अस्पताल की कंडीशंस देखेंगे, वहाँ पे मशीन्स हैं बट वो या तो फॉल्टी हैं या तो अब भीड़ इतनी ज़्यादा है कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो अकोमोडेट नहीं कर पाता है उतने पेशेंट्स को। और दवाइयों की अगर हम बात करें तो कहने को तो आम आदमी के लिए दवाइयाँ फ्री हैं, बट वो दवाइयाँ उसमें से आप बोल लो कि 80% दवाइयाँ तो अस्पताल में मिलती ही नहीं है, तो उससे आम आदमी को क्या है दोबारा से प्राइवेट क्लिनिक्स में जाके जो है दवाइयों के लिए वहाँ पे खुद के पैसों से जाके खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। अब ये सारी समस्याएँ हमारे अस्पताल में हैं, हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में हैं। तो वहीं अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में जैसे काफ़ी स्कीम्स थे, जैसे हर मोहल्ला क्लिनिक को वहाँ पर अप्लाई किया गया है, तो उसके लिए काफ़ी जो है हेल्थ के फील्ड में बेनिफिट्स रहे हैं आम आदमी के लिए। और जैसे कि अभी काफ़ी प्रॉमिसेस किए गए हैं, चुनावी दौर है, बट आम आदमी पार्टी का आप कह सकते हो कि एक तरह से प्रूवन है कि वो ये चीज़ों को लागू भी करते हैं। तो अभी 50 लाख तक का हर एक आम आदमी को जो है हेल्थ बेनिफिट उन्होंने प्रॉमिस किया है, और इसी तरह के मतलब आप थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट की अभी कंडीशन देखें हम यहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर की, तो उतनी अच्छी नहीं है। और आम आदमी पार्टी के आप बोल सकते हो कि हाँ प्रूवन पॉइंट्स हैं, तो उससे थोड़ा रिलायबल है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। उनको पहले बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम बाद इलेक्शन के बाद वो जैसे ही वोट इनको पड़ते हैं गायब हो जाते हैं अपनी अपनी जगह। उसके बाद इन्हें लोगों के बारे में सोचते हैं ना, किसी के बारे में सोचते हैं, अपने वहाँ पर बैठ के आराम से मुझे करते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ माया जाल है और कुछ नहीं, मतलब ये हम सबको फंसा रहे हैं जाल में, भी फ्री दे देंगे और बाद में कुछ नहीं करते, बाद में हाथ खड़ा कर देते हैं और ना लोगों की सुनते, गरीब बंधु की किसी की नहीं सुनते हैं। सुविधाएं और शिक्षा जो है सही है गलत है? सही है जी। हाँ जी, दोनों। क्यों लगता है कि सही है? इसलिए क्योंकि जो शिक्षा है गरीब से गरीब बच्चा भी कर पाए, अच्छे से कर पाए ताकि आगे बढ़े। और मेडिकल लाइन में ऐसा है कि गरीब आदमी जो है प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते हैं, जिससे फ्री होगा तो हर आदमी का इलाज भी अच्छा होगा और सभी इलाज कर पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि फ्री, जैसे अभी जो करंट गवर्नमेंट है, आप चले जाओ ये नेरचौक में मेडिकल हॉस्पिटल है या जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्या वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, फ्री मिल रही है? मैं अभी कुछ दिन पहले ही गया था, मेरा एक्सरे सब चीज़ हर अभी फ्री हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हल्ला बजा बजा के लोगों के कानों तक पहुँचा रहे हैं कि हम आपको फ्री करेंगे, ये चीज़ें फ्री होंगी, वो चीज़ें फ्री होंगी, बट ये है कि इस तरीके से जैसे जिसको नीड है उनको फ्री लेना चाहिए और सरकार को भी उसी को फ्री देना चाहिए, जिसको जो गरीब है, जिसको है ना नहीं कर पा रहा वो, लेकिन जिसके पास है देने के लिए वो क्यों नहीं देगा? अभी अब जैसे स्कूल की बात की आपने, तो स्कूल में यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, क्या वहाँ पे फीस लेते हैं? नहीं लेते हैं। वहाँ पे तो फ्री शिक्षा हो रही है भाई, उनकी फ़ीस कितनी होगी, 100 रुपये 200 रुपये पर मंथ की होगी, तो आदमी इतना बियर कर सकता है मेरे हिसाब से। अब आप सोच रहे हो वो 200 रुपये भी ना दे तो मैं फ्री की शिक्षा दूंगा, तो पैसे कहाँ से लाओगे?
आपके घर में थोड़ी हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से तो मतलब जो हेल्थ और एक जो एजुकेशन है वो एक कॉमन मैन की मतलब बेसिक नीड है मतलब मेरे हिसाब से तो, और वो मतलब एक अच्छे वे में मतलब उनको मिलना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से मतलब गवर्नमेंट को मतलब इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि हमारी जो प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट चली हुई है, तो हम उसके हाल मतलब पिछले 5 साल में देख सकते हैं, मतलब स्कूल्स में मतलब टीचर्स नहीं हैं, और हमारे तो फिर भी मतलब जो हम जैसे मंडी में लोकल हैं और मतलब आसपास में फिर भी अच्छे हाल हैं, लेकिन जो जैसे अपर हिली एरियाज हैं वहाँ पे जो कंप्यूटर्स मतलब स्कूल के लैब्स में कंप्यूटर्स नहीं है, बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, तो मतलब शिक्षा के बहुत ही बुरे हाल हैं वैसे। और मतलब सेम वैसे ही हमारे हेल्थ में भी मतलब वैसे ही बुरे हाल हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो मतलब हमारी अगर छोटी सी अगर कोई हमारी बीमारी होती है या कोई भी हमें इंजरी होती है तो हमें घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। और मतलब वैसे ही वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, अच्छे से स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है, मतलब वो प्रॉपरली हमारी देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से तो जो आम आदमी पार्टी ने एक सेकंड गारंटी दी है, तो मतलब उस हिसाब से वो अगर उसको फुलफ़िल कर पाते हैं अगर हिमाचल में, तो वो एक मतलब हमसे ज़्यादा जो मतलब हमारे अपर हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं उनके लिए वो एक ज़्यादा अच्छी एक बेहतर सुविधा के रूप में मतलब वो हो जाएगा। मतलब बात वही है कि अगर बड़े सालों से जैसे हमारे यहाँ पे 2 पार्टियों का ही वर्चस्व बना आता रहा है, तो मतलब तीसरी पार्टी ने जो एक नया कदम रखा है हिमाचल में, तो हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब शिक्षा और जो स्वास्थ्य है इनमें ये बढ़ चढ़ के मतलब सुधार करेंगे, और जो मतलब एक आम आदमी की जो एक बेसिक नीड है उसको ये पूरा करने में मतलब सफल रहेंगे। देखो जी, पहले तो सबसे पहली बात, मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, ठीक है। बाकी जहाँ तक मेरे को लगता है, पहले ये जो है सरकार में माया जाल में फंसाती है, जाल होता है इनका, उसमें फंसाती है हम लोगों को, जितनी भी जनता है यहाँ पे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।